तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बाहर देखो यार, क्या सुहाना मौसम हुआ है, मस्त, बिल्कुल ब्यूटीफुल। कल रात को बारिश हुई है और उसके बाद सुबह देखो भाई, बिल्कुल ब्लू स्काई, वाइट बादल और ग्रीन ग्रीन, लश ग्रीन माउंटेन्स। तो आज हम क्या, तो आज बहुत खास दिन है बिकॉज आज तैयार हुए हैं हमारे दोनों चिलगोजे। क्यों हंस रहे तुम इतना ज्यादा, और तुम तैयार होके जा कहाँ रहे हो? अपने कुल देवते के वहाँ लगवैली। हाँ, तो आज जाने वाले हम लगवैली, और उसका रीजन ये है कि यू नो देवता पूरे साल में दो तीन बार जो हैं कि वो दर्शन देते हैं, तो बस वैसे ही है। आज जाना पड़ेगा, उनकी चाकरी करनी पड़ेगी, उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो प्रकृति वगैरह घर में है नहीं, तो यहाँ से हम पहले परे जाएंगे प्रकृति के मायके, वहाँ से उसको उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे और फिर ले जाएंगे देवता के पास। चलो तुम्हारे को एक फ्रूट खिलाता हूँ मैं, ये देखो क्या है बताओ, कितना टेस्टी लगता है। एक बार वन फ्रूट, ये थोड़ा कच्चा है, ये पक गया है, चलो ट्राई करो, खा जल्दी। कच्चा नहीं, पक्का है पापा, जोर लगाना पड़ता है। देख एक दिन मैंने सोचा यार ये फ्रूट बड़ा टेस्टी होगा, कड़ी पत्ते वाला फ्रूट है, कसम से अजीब सा था। कैसा था आव्या? आव्या ने खा भी ली पूरा। चलें फिर, चलो। नहीं, तुम देवता के पास दर्शन के लिए जा रहे हो कि चिप्स लेके खाने जा रहे हैं? ये पिकनिक पे जा रहे हैं भाई। चलो चलो चलो, मैं ठीक हूँ, गेट बंद करेगा हमारे पास, अरे जाओ गेट बंद करो, आप दे रहे हो ना, चल फट फट दे रहे हो, ये तो तुम भाई लगे, आजा आजा जल्दी आ, आजा मेरी पापा, मेरी पापा, आजा मेरी दादा, इसको नीचे रख पा मेरी पापा को, कैसे पापा बड़े दिन बाद मिला, याद किया मेरे को? मैंने भी खाने जाते वक्त। हाय मनु, हाय मनु, बोलता नहीं क्या? कहाँ, चलो घर चलो। बुग्गी, तूने क्या बोला पापा को, मिस नहीं किया? नहीं किया? हाय हाय पापा, ओए ये क्या पति भूल गए, क्यों शर्मा रहा है? हाय, अच्छा खुला है, बंद कर दे पापा। कौन है यार? बोला हां, तो कौन बोलते, मैं कॉल कर रहा हूं, चलो बोला बोल। हाय मनु गुगली, शिवम, हाय हाय, कहां जा रहे हो आप? कहां जा रहे हो शिवम? दादा के पास, आगे आ गया। तो लगवैली में चली है बारिश, तो यहाँ पे अभी रोड का काम चला है और थोड़ी देर का हमें रेस्ट है। तो लगवैली की खूबसूरती कुछ ऐसी। शिवम, तेरे को रखना लगवैली में ही, अब बैठना, नहीं शादी करवाएंगे तेरी लगवैली में, नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अखरोट के पेड़ और साथ में यहाँ पे फिर रोक दिया है रास्ता डंप ट्रक में। तो दोस्तों, लगवैली की एक खास बात बताऊं कि यहाँ पे अभी भी काफ़ी गांव ऐसे हैं जो कि हमारा जो हिमाचल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो बने होते हैं पुराने घर, कार्टूनी स्टाइल घर, तो वो अभी भी वैसे ही हैं। तो इसलिए ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड वैली है। ये देख लो, नीचे सारे के सारे घर पुराने हैं। आपको डबल रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ऊपर को चला गया मम्मी का मायका, राइट साइड वाले को चले गए पापा के घर को। शिवम, दादा का घर नीचे और दादी का घर ऊपर को। ये जो खूबसूरत सा वाटरफॉल है, ये है गंगे राम का नाला। किसका? शिवम, गंगे राम का नाला है, कुंडी का नाला है, गंगे राम का।
दोस्तों मैं पहुंच चुका अपनी गांव। तो ये है मेरा गांव। ये मेरा गांव। कौन सा गांव आपका? तो ये है कालंग, शिवम ठाकुर का गांव। ये है पारला कालंग। अरे कुछ आवाज आई। शिवम कहाँ आए हो आप, पता है? कहाँ आए हो? I-20 का कान कान अंदर चला गया है बाहर। हाय छोटू, तूने निकलना बाहर, तू नंदरी बहना वैसी पत्ती पति कभी तो निकल जाए कर बाहर वो देख। तो दोनों भाई मजे ले रहे हैं भाई, आज असली मजे अपने गांव के। हेलो लंबरदारों, तो ये हैं इस गांव के लंबरदार, है ना? तो हमारे लेट दादाजी श्री आर ठाकुर यहाँ के लंबरदार थे, और अब आया अपने दादू के पास। नहीं आ रहा अदू, तेरे को मैं उठा के नहीं रख सकता ऊपर यार, सॉरी। मैंने बैठना है। बैठ जा। चल शिवम को बुला दे, चले अब। अरे मेरी गोद। लुक एट द ब्यूटी गाइस, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको हमारी वैली, लग वैली। वैसे बहुत बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट फिर भी देख लो यार, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है इस बार की कोई फ्लड हो कुछ हो, आते ही नहीं इस बार। मतलब लास्ट ईयर भी मनाली हो गया आपका, पार्वती वैली, दोनों वैलियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बट हमारी ये वैली में बहुत कम ऐसे चीज़ें हुई हैं। उसका एक मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे नेचर को डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब कोई फालतू की कंस्ट्रक्शन नहीं है, या फिर यू नो किसी तरह के देवी देवता के जो प्लेसेस हैं उनमें छेड़खानी नहीं होती है। तो मुझे लगता है इसी चक्कर से ऐसा, बारिश तो यहाँ पे भी बहुत हुई है लास्ट ईयर इस साल, बट ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, है ना शिवम? और जो नुकसान हुआ है वो जल्दी रिपेयर भी कर दिया गया। तो गाड़ी लग चुकी है अपनी, और अब चल पड़े हैं हम अपने देव के पास। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ लग वैली, चले शिवम। पति जी चलो फिर, घर चलो यार। क्यों मेरे बिना मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, सच में मन नहीं लग रहा मेरी बीवी के बिना यार। मतलब बीवी घर में हो तब भी आफत होती है, दूर हो तब भी आफत होती है। कपड़े बिखरे हुए हैं, कोई सेटिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो आपको खुद को करना चाहिए ना, उसमें बीवी का क्या रोल है, वो तो हर एक इंसान। हेलो, मैं पहले वैसा ही था, तूने मेरे को जीना अलग सिखाया। फिर तो कुछ ऐसी अपनी लग वैली प्रकृति। चलो बताओ रीजन भाई। देखो 2 साल से पूरे हिमाचल में बाढ़ें आई, मतलब बहुत नुकसान हुआ सब जगह, बट लग वैली फिर भी क्यों दूर रही उन चीज़ से, नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा? नहीं पिछले साल हुआ है, पर वैसा नहीं हुआ ना जैसा देखा लग वैली। क्या है देखो मेन फैक्ट क्या है, ठीक है, नेचर तो चलती रहती है ना, तो यहाँ पे शायद नेचर को दुखी कम किया गया है। और यहाँ पे रिवर साइड में कम कंस्ट्रक्शन है, आप देखोगे, ठीक है, लोगों के घर जहाँ पहले थे ट्रेडिशनल, जहाँ पे गांव थे वहीं के वहीं हैं। और यहाँ पे सारे घर भी ट्रेडिशनल है, सारे फैल नहीं रहे हैं, गांव फैल नहीं रहे हैं, ज़मीनें जो है ये इलीगली जो एक्वायर की जाती है ऑर्चर्ड में कन्वर्ट की जाती है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकी जगह। ये कहा है हमारी प्रोफेसर प्रकृति सिंह ने। और जो एक और रीजन कि यहाँ पे घर भी देखो यार वैसे ही है सारे, नो कंक्रीट के जंगल अभी यहाँ पे ज्यादा विस्तार। तो इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे पिताश्री, पापा यहीं पढ़ते थे बचपन में, इन्हीं स्कूलों में रहते थे। अगर आज भी पापा मेरे यहीं रहते तो पति कहाँ मिलती हमें, आती पति तू लग वैली, इतनी खूबसूरत वैली में आती तू क्यों? लोग पता दिल्ली बॉम्बे छोड़ के हिमाचल आ रहे हैं। मैं हिमाचल में ही हूँ, मैं कुल्लू में ही हूँ। ज्यादा ज्यादा तुझे क्या करना पड़ता, तू गोबर उठाती, उठा लेती? बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत गोबर उठा लेती है ना। आपने उठाया कभी? वैसे तेरी सास नहीं आई यहाँ पे, मुझे आपने उठाया? हाँ है, मम्मी के साथ मैं गोबर उठाता था कई बार सर गाँव में। मम्मी को बचपन में ये लगती थी, नाना नहीं लगाते थे आपको? शरीफ थे नाना जी इतने, ओ गाड़ना।
नहीं पढ़ते थे ऐसे, वो लोग वो शरीफ नहीं, नाना थे मेरे बड़े सीधे आदमी यार। नहीं अगर बच्चे सही हो तो फिर क्या जरूरत है। पर दादा गुस्से तो हमारे दादा को आता था। मनस्विन फिर दादा को भी गुस्सा आता है? नहीं आता बिल्कुल। मनस्विन मनस्विन तो ये फर्स्ट बार जा रहा ना ऊपर देवता के पास। क्या पति बता, बता देगी तो मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। अभी खोल क्या? ये क्या है? शादी में इसके बगैर नहीं होती शादी। चलो भाई फाइनली बोला। और हम इसकी बनाते थे बंदूकड़ी बचपन में, और बंदूकड़ी बना के इसी के बीच होते थे, बीच में डालकर बहुत जोरों की आवाज़ होती थी उससे। काश तो भी खेले थे ऐसी नेचुरल चीज़ें। हम भी खेले हैं जी, हम भी वहीं रहते थे। ठीक है आप तो खुद को ऐसा सोच रहे हो, पता नहीं खुद कितने उसमें, और हम पता नहीं कितने शहर में रहते हैं, हम गांव के ही हैं। वो तो मेरे को पता, वो तो सबको पता, तो कितने गांव में रहती है। ये क्या लगा पति बताओ जरा? ये हमारे शहर की है ना बीवी, क्या ये क्या लगी है? छली है वो। अच्छा छली पता आपको? मेरा पति सोच रहा है मैं इसकी बजाने के लिए कुछ तो मटेरियल ढूंढूं पर मिल नहीं रहा है। सही बात यार, यार पति पर ना छुट्टियाँ बिताने तो आ सकते कुछ दिन में। घराट, तो ये जो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे ना बिल्डिंग्स, ये हैं घराट, मतलब चक्की, आटा चक्की। ये उठाया दीपिका ने अपने छोटे भाई को गोदी। चलो चलो आराम से चलो। तो यहाँ पे पिछले साल एक ब्रिज था छोटा सा, तो वो टूट गया ना। चलो मनस्विन, तो पैदल जाना चाहता ना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने देव के पास। चलो फिर चलो, फर्स्ट टाइम मनस्विन का अपने मंदिर जाना। जय श्री राम। भाई इस टाइम पे ना कुल्लू का सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल मंदिर। यहाँ मंदिर में नक्काशी की है, देख कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत सुंदर। बनने के बाद तू आई ना अभी? हाँ, तो तुम्हारे को अब थोड़ी हिस्ट्री दिखाते हैं, ठीक है? पति जल्दी आ। क्या तुम दोनों का नाम क्या है? देखो तुम्हारे को एक हैं अद्भुत चीज दिखाऊं। ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है कम से कम 50 फुट 40 फुट के इस टाइम पे, तो पहले ये बहुत लंबे होकर थे। किसने लाए पता है? मधुमक्खियों ने, ऐतिहासिक पिंडलियां देख, मधुमक्खियां उड़ा के लाई इनको। सोचो कितनी मधुमक्खियां लगी होंगी, रियल में कितनी है? जैसे लगर में लेके आए हैं बस वैसी, और तब से ये संभाल के रखी है यहाँ पे, देखो बहुत लंबी है। अरे समझी, रियल में कितनी? रियल में 60-70 फुट का होगा पूरा, 50 फुट तो कम से कम रख ले तो। इतना बड़ा पेड़, ये जितना ये है, ये जितनी दोहज है उसके बराबर। हाँ हाय, नाम क्या आपका? ये बता ही नहीं दिया। चलो फिर इसी के साथ दर्शन हो गए हमारे त्रियोगी नारायण के, और अब चले हम वापस घर की ओर। बट उससे पहले ये क्यों अबे जाली दे दो यार इसको, कोई बोलो देवता जी को बोलो जाली दो मुझे। कौन सी जैली पति? मुझे नहीं पता किसने क्या देखा। अरे लास्ट टाइम मनस्विन इस साइड हो। मनस्विन अच्छा लग रहा है तेरे को? तो ये बच्चों को, बच्चों को 10 रुपए मिले, कितने अच्छे बच्चे हैं ना। सबसे पूछे आपका है, इतने ईमानदार बच्चे मिलेंगे आप।
ये आ गए भाई अपने शरारती तत्व। तो प्यारे प्यारे दर्शन करके अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो देखो जितने भी हम पहाड़ में रहते हैं, कोई भी पहाड़ी जगह हो, तो हम सबका लगभग एक ही कल्चर होता है। हिमाचल की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, जम्मू की बात कर लो, चाहे आप ट्राइब्स की बात करो, तो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं सेम होता है। अब तो कर्नाटका वाली जो मूवी देखी कांतारा, उसके बाद तो ये भी पता लगा कि साउथ में भी यार काफ़ी हमारा सेम कल्चर एक दूसरे से बहुत मिलता है। तो इसलिए ये देव हैं हमारे कुल के देव, तो इनसे हमें मिलते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि है क्या एक्चुअल में। देखो आप पता है पूरे इंडिया में हो गया, पूरे वर्ल्ड में हो गया, ब्लैक मैजिक चलता है। तो तुम्हें मैं उसका एक ही सॉल्यूशन बताऊँगा। जो अपने आपके कुल देवी देवता होते हैं ना भाई, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखो। कसम से यार, दुनिया की कोई ताकत तुम पे ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगी। कर तो देगी पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आगे हमारे और आपके जो कुल देवी देवता है ना, वो खड़े होते हैं। देखो डेथ जो होती है वो किसी से कंट्रोल नहीं होती है। इवन भगवान कहता है ये मेरे बनाए हुए नियम है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। बट जो ये ग्रह होते हैं ना, जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर लिया, कुछ कर लिया, तब आपको जो इम्पैक्ट होगा वो रोकते हैं आपके देवी देवता। तो उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग रखो। बचपन से हमें भी माँ बाप ले जाते थे, तो अब जैसे हम शिवोहम और मनस्विन को ले जा रहे हैं, अद्वि काव्या को ले जा रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। इस वैली की सबसे खास बात और अच्छी बात कि यहाँ पे अभी टूरिस्ट का कोई ज़्यादा वो नहीं है। पूरे साल में शायद 100-200 लोग आते होंगे मैक्सिमम यहाँ पे। ये देखो भाई, और जितने भी ये नेट दिखाई दे रहे हैं, ये हिल स्टॉर्म से बचाने के लिए लगाए हैं गाँव वालों ने। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कैसी लगी आपको लग वैली। हाँ बस, तो ये है बाईपास रोड लग वैली का, और नीचे देखो कंक्रीट क्या बढ़िया हुई है। तो पहले क्या था, सिंगल रोड था नीचे कुल्लू के लिए, अब यहाँ से डबल, एक साइड सिंगल वे ये वाला है जाने के लिए, और आने के लिए दूसरे वाला जो पुराना वाला था। नहीं तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता था पूछो मत। तो इस रोड का मेन श्रेय जाता है जो बाईपास निकाला है सुंदर सिंह ठाकुर को। पर हाँ, रोड थोड़ा पक्का होना भी बाकी है, होप्स होगी जल्दी हो जाएगा ये भी। हम शिवोहम घर जाना कि मायके रहना? पति घर जाना मायके? शिवोहम ने तो बोला मैं तो जा रही हूँ मायके बोला। शिवोहम यहाँ देखो, घर जाना कि मायके? मायके। सॉरी यार शिवो, हम घर नहीं जाना चाहता, वो माइके जाना चाहता, तो इसको माइके ले चलो। ठीक है मनस्विन बाय। तो दो दिन बॉटल रहेगी पीछे, तो प्रकृति की दो दिन की छुट्टी और है, निकाल दो, बना ले छुट्टी, मजे ले ले तो छुट्टी के, फिर चले हम जी। ए हेलो मामजी, मामजी बाय बाय। चलो ठीक है ना पति, बाय। आपको बेटा नीचे पहुंच गया, सैटरडे को आ रहा हूं मैं लेने तेरे को। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, इन्होंने बहुत मस्ती की आज। तो बस आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जाने से पहले इस ब्लॉग में जरूर कमेंट करना कैसी लगी आपको हमारी वैली लग वैली, और इन्होंने भाई बहुत दुखी किया आज। ठीक है यार, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।